ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਕੋਵਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਕਤ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਬੀਤੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ PHC ਚੱਕੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ, परंतु इस दौरान इलाज कर रही महिला डॉक्टर वालों वड़िया लापरवाहियां वरतिया गई जिस कारण उसकी पत्नी की जान खतरे च पै गई सी। ते बाद च उस वालों ब्याज से पैसे लेके उसका इलाज हुशियारपुर के एक निजी हस्पताल चो करवाया गया सी। नौजवान ने दसिया कि उस वालों बीती 20 मई नूं सिविल सर्जन हुशियारपुर नूं उक्त डॉक्टर विरुद्ध कार्रवाई करने लिए बिनती पत्र दिता गया सी, परंतु अज तक उसते कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उस वालों अधिकारियों से अपने डॉक्टर का बचाव करने का दोष लाया गया है। दूजे पासे सिविल सर्जन डॉक्टर अमरजीत सिंह का कहना है कि दफ्तर वालों 23 मई नूं ही संबंधित SMO नूं रिपोर्ट देने का पत्र भेज दिया गया है, परंतु 3 महीने बीतने के बावजूद अजे तक कोई जवाब वापस नहीं आया है, जिसते हुण दोबारा उन्हां वालों पत्र भेजा जा रहा है। तो जिस किसी की भी इस मामले च लापरवाही पाई गई उस विरुद्ध बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर मैं 20 मई ने उन्होंने दरखास्त दी सी, एप्लीकेशन डिलीवरी केस की मेरे घरवाली का सही नहीं किया जी, तो अज तक इन्हों की कोई मतलब चिट्ठी चुट्ठी नहीं सानू आई, कोई भी इन्हें पूछगिछ नहीं हुई मतलब की करना की नहीं जी। कि डिलीवरी कराई डिलीवरी चक्कोवाल कराई थी जी, सरकारी हस्पताल सरकारी हॉस्पिटल चक्कोवाल कराई थी, तो उन्होंने केस नहीं सही किया। तो मेरी घरवाली मतलब काफ़ी बीमार है जी, केस कराया उन्होंने सफाई नहीं दाना की जी, मुड़ के फिर हफ्ते बाद दर्द होने लग पी, आप गए उत्थे हॉस्पिटल उन्होंने स्कैनिंग लिखती, उस तो बाद फिर मुड़ के उन्होंने मना करता कहते साढ़े तो सफाई नहीं होनी, हुशियारपुर भेजता हुशियारपुर सिविल हॉस्पिटल आए तो उत्थे उन्होंने भी मना करता कहते जितों केस कराया उत्थों सफाई कराओ जी। तो मेरी घरवाली हालत ज़्यादा खराब सी, इस करके मैं फिर ब्याजू पैसे चक के प्राइवेट हॉस्पिटल कराया सफाई कराई जी। प्राइवेट हॉस्पिटल भी दाखिल रहे मैडम तो हाँ जी, 2 दिन फिर प्राइवेट दाखिल रहे, इन्हों तो सफाई चंगी तरह की नहीं जी। इलाज में कोताही वरती गई है? हाँ जी, इलाज में अनगहली की इन्होंने, जिदा मतलब बच्चा जिदन पैदा दूजे दिन फिर घर वाली बेहोश हो गई, इन्होंने फिर सफाई की, खूनों खून हो गया, सफाई की फिर भी नहीं ना सफाई हुई ना, इन्हें 3 दिन बाद सानू ना कोई दवाई दी बच्चे पैदा होने तो बाद ना घर वाली कोई ना कोई होर जी, तो कोई भी ढंग ना नहीं काम किया जी इन्होंने। हुण तुसीं 20 मई दी इन्हां नूं एप्लीकेशन दी आ तां अजे तक कार्रवाई नहीं हुई, की कारण मानदे हो? हाँ जी, कारण हुण ये डॉक्टर नूं बचाउण दी कोशिश करना, पर कार्रवाई करनी चाहुंदे आ कि डॉक्टर ते कार्रवाई हो, क्योंकि मेरी घर वाली जान बची है जी, मसीह बचाई है जी, कुछ भी हो सकता सी। की कहना चाहते हो तुसीं आम आदमी पार्टी ने क्या सी? मैं सर आप आम आदमी पार्टी ने वोटा पाई जी, कोई बदलाव आऊँगा जी, पर कोई बदलाव नहीं आया जी, हॉस्पिटल वाले सरकारी हॉस्पिटल कुछ नहीं कर रहा जी, आप मैं ब्याजू पैसे चक के अपनी घरवाली का इलाज कराया, आप गरीब बंदा आ जी, मैं असं तो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल जा सकते जी, पर सरकारी हॉस्पिटल वाले भी कुछ कर नहीं रहे जी। आम आदमी पार्टी ने मेरी गुजारिश है कि इन्हें कार्रवाई की जाए जी। सिविल सर्जन मैं मिले सर उन्होंने मिले, वो कहते कोई नहीं ताकि फाइल अगे चल गई, पर उधरों कोई नहीं जी, चक्को वालों SMO वालों ने उधरों भी जवाब इन्होंने कदों दी भेज दी फाइल? इन्होंने जी 20 मई में मैं दिती सी, इन्हें 23 मई में इन्होंने भेज दी हो जी, 3 महीने हो गए आ, तो हले तक कोई चिट्ठी चुट्ठी नहीं उधरों आई जी। हुण तुहानूं भरोसा दिता गया ना वालों? इन्होंने भरोसा सानू दिता कोई नहीं, तुहानू जल्दी कार्रवाई होगी, इन्हें चिट्ठी कहिंदे तुहानू आऊंगी जल्द कि आप इधरों फिर इन्हों उन्होंने कार्रवाई करूँगे जी। मंग की करदे? मंग मैं ये करता जी, सानू इंसाफ दवाया जाए जी, कि मेरी घरवाली की जान बची आ, ये मैडम ते जो इन्होंने केस किया चक्कोवाल वाले ने सख्त कार्रवाई हुई जाए जी। सर एक गुरप्रीत कलसी वालों अज तुहानू एक मंग पत्र दिता गया, दोबारा एप्लीकेशन दी गई है, जिस विच उस वालों कुछ PHC चक्कोवाल दे विच एक लेडीज़ डॉक्टर ने मनिंदर कौर उन्होंने लापरवाही के जिहड़े डिलीवरी हुई सी वरती दोष लाए गए हैं, 3 महीने के करीब समा हो गया वा, उहदे वल्लों एप्लीकेशन दी गई सी कार्रवाई की जाए, की उहदा प्रोसीजर किया गया तुहाडे वल्लों? उहदी असीं रिकॉर्ड कढ़ा के देखिया बाद दे विच, ते उहनां दी जिहड़ी पहली जिहड़ी उहनां दी दरखास्त आई सी, असीं ओ नाल दी नाल विदिन 3 डेज़ आपां मई दे महीने दे विच ही आपां फॉरवर्ड करती सी, ओ मार्क उत्थे दे SMO नूं करती सी कि इनकुआरी करके पता दिता जावे, पर हले तक साडे कोल उहनां दी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो इस करके वो जिहड़े कैंडीडेट सी दुबारा आए सी जिहड़े एप्लीकेंट, तो उहनां दे आउण ते फिर असीं सारा अपना रिकॉर्ड देखिया, तो हुण दुबारा मार्क कीती है, रिमाइंडर भेजिया हैगा, तो
देखते हैं हम कितने दिन चाहते उन्होंने जल्दी करने वैसे भी तकीद करा सर तीन महीने का समा हो गया लगता नहीं उतना जोड़ा एस एम ओ चक्कोवाल के जाना उन्होंने किसी तरह बचाव किया जा रहा अपने डॉक्टर का क्योंकि तीन महीने का समा बहुत ज़्यादा होंगे जी भेजने नहीं बचाओ के भी काम काज ज़्यादा होंगे जिदा अजक आम आदमी क्लीनिक के सारे बिजी रहे आप दो तीन महीने काफ़ी बिजी रहे मे बी बिजी शड्यूल करके होर भी काम काफ़ी होंगे ने मिस हो गया है पर हम रिमाइंडर भेजा है तो आशा करते हैं कि जरूर अपना कार्रवाई करेंगे तो इनकुआरी की रिपोर्ट हम जल्द भेजेंगे तो उसके फिर बाद कार्रवाई करते हैं।